हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न बैंक हिंदी को हल करेंगे। हिंदी है इसको हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले निर्देश दिया गया है कि करना क्या है। इसमें हमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर हमें उस पर गोल घेरा बनाना है। देखिए, पहला निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित गाद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर से सही विकल्प पर कुला लगाओ। यानी जो हमें गाद्यांश दिया गया इसको पहले पढ़ना है, फिर उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए उनको हल करना है। जैसे हम गाद्यांश को पढ़ते हैं, वाणी एक अनमोल वरदान है, कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है, जबकि कोए की कांव कांव किसी को अच्छी नहीं लगती, वाणी के बिना सब कुछ सूना है। कोयल की वाणी कैसी है मीठी और कौए की वाणी कैसी कर्कश, तो कोयल की वाणी सबको अच्छी लगती है। मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है, मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मधुर बोलने वाले का समाज में बहुत आदर होता है, मृदुभाषी के मुँह से निकला एक एक शब्द सुनने वाले के मन को लुभाता है, इसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति उसके बस में हो जाता है। मीठी वाणी सुनने वाले को ही आनंद नहीं करती बल्कि यह बोलने वालों को भी आनंद पहुंचाती है। कहा भी है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपज चहुं ओर। मृदुभाषी समाज में सद्भावना का प्रसार करता है, कटु भाषा बोलने वाले को अनेक प्रकार की हानियां उठानी पड़ती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि खीरा का मुँह काट के मलियत नौन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए त्यही सजाए। कटु भाषा का प्रयोग कम बिगाड़ देता है, जहाँ मधुर वाणी अमृत है वहाँ कटु वाणी विष है। तो इसका अध्यांश में हमें वाणी के ऊपर दिया गया है। इसमें बताया गया कि मीठी वाणी से क्या क्या लाभ है और कड़वी वाणी से क्या हानि है। तो अब हम इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करते हैं। पहला प्रश्न बनाया गया है, मीठी और कड़वी वाणी के लिए कौन से पक्षी प्रसिद्ध हैं। तो बताइए, मीठी और कड़वी वाणी के लिए कौन से पक्षी प्रसिद्ध थे, तो कौआ और कोयल प्रसिद्ध थे। फिर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, प्रश्न दूसरा है, खीरा को उसके कड़वेपन को दूर करने के लिए सजा के रूप में क्या लगाया जाता है। बताइए, जो खीरा होती है उसको उसके कड़वेपन को दूर करने के लिए क्या लगाते हैं, नमक। तो ऑप्शन सी इसका सही है। फिर तीसरा प्रश्न है, मीठा बोलने से क्या मिलता है। तो बताइए, मीठा बोलने से क्या फायदे हैं। ऑप्शन ए कार्य सिद्ध होना, ऑप्शन बी शत्रुता, ऑप्शन तीसरा है आदर, ऑप्शन चौथा है हानि। तो हमें मीठा बोलने से क्या मिलता है, कार्य सिद्ध होती है और आदर मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न है, तुलसी और रहीम कवियों ने मीठी और कटु वाणी के लिए अपनी बात को किससे जोड़ा है। ऑप्शन ए तुलसी सजा से, रहीम ने सुख को, तुलसीदास ने सुख से जोड़ा और चौथा है रहीम ने सजा से जोड़ा। तो क्या है इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है तुलसी ने सुख से जोड़ा और रहीम ने सजा से, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फिर पांचवा प्रश्न है, इस गाद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो हम इस जो गाद्यांश लिखा था इसका उचित शीर्षक बताना है। तो इस गाद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, मधुर वाणी का महत्व। जो हमने गाद्यांश पढ़ा उसका उचित शीर्षक है मधुर वाणी का महत्व। पांचवें का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। फिर हम प्रश्न क्रमांक छठवें को करेंगे। छठवां प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक छठवां है। इससे पहले हमें एक निर्देश दिया गया है। छठवें प्रश्न से पहले एक निर्देश दिया गया है। निर्देश है, निम्नलिखित पाद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर में सही विकल्प का गोला लगाइए। यानी हमें अब एक पाद्यांश दिया गया, इसको पढ़ना है और उसके नीचे जो प्रश्न दिए उनमें से सही प्रश्न विकल्पों का चयन करके गोला लगाना है। जैसे ऑप्शन ए लिखा, गाद्यांश पढ़ते हैं, माटी तुझे प्रणाम, मेरे पुण्य देश की माटी तू कितनी अभिराम, तुझे लगा माथे से सारे कष्ट हो गए दूर, क्षण भर में ही भूल गया मैं शत्रु यंत्रणा क्रूर, सुख स्फूर्ति का इस काया में हुआ पुनः संचार, लगता जैसे आज युगों की पद मिला विश्राम, माटी तुझे प्रणाम। तो यह कुछ पंक्तियां हमारी पाद्यांश से ली गई हैं। तो अब हमें इनके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हमें पढ़ना है और फिर
हम उनकी हल करेंगे। उसमें से हमें चार विकल्प दिए गए, चार में से हम जो सही है उस पर हम गोला लगाएंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक छठवां, माटी तुझे प्रणाम कविता किस भाव से संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो यह पंक्तियां दी गई थी यह किस भाव से संबंधित है। तो ऑप्शन ए लिखा समाज प्रेम से, ऑप्शन बी आत्म बलिदान से, ऑप्शन सी मातृभूमि प्रेम से, ऑप्शन डी भक्ति भावना से। तो बताइए यह किससे संबंधित, ऑप्शन नंबर सी मातृभूमि प्रेम से, क्योंकि जो पंक्तियां दी गई थी उसमें मातृभूमि के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर सातवां प्रश्न, माटी को माथी से लगाकर कवि क्या भूल गया। तो बताइए कवि क्या भूल गया है, ऑप्शन ए शारीरिक शोक, ऑप्शन बी देश के प्रति प्रेम, ऑप्शन सी है वियोग पीड़ा, ऑप्शन डी शत्रु के लिए कष्ट। तो माटी को माथे से लगाकर कवि क्या भूल गया है, शत्रु के दिए कष्ट को। तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर प्रश्न आठ है, प्रश्न आठ है अभिराम का अर्थ क्या है। अब हमें अभिराम का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए लिखा श्री राम से, ऑप्शन बी उपनाम से, ऑप्शन सी भयानक से, या ऑप्शन डी है मोहक से। तो बताइए अभिराम का अर्थ क्या है। तो अभिराम का अर्थ है, अभिराम का अर्थ क्या था, मोहक। अभिराम का अर्थ है मोहक। फिर हम प्रश्न क्रमांक नौ को करेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में योजक चिन्ह किन शब्दों के बीच प्रयोग किया जाएगा। योजक चिन्ह कहाँ प्रयोग करते हैं हम, योजक चिन्ह प्रयोग करते हैं हम जब बात कैसी हो या एक के विपरीत हो, जैसे आते जाते, या फिर समान बात कही जाए इसकी पुनरावृत्ति हो जैसे आते आते, तो उनके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विपरीत बात कैसे, जैसे दिन रात हो गई, या आते जाते, और समान बात है जैसे आते आते या फिर आजकल, ऐसे हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अब बताइए इसमें किस में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, ऑप्शन ए आ गया, ऑप्शन बी लिखा आते आते, ऑप्शन सी आ रहा, ऑप्शन डी आने दो। इसमें योजक चिन्ह हम ऑप्शन नंबर बी में प्रयोग करेंगे आते आते में। फिर प्रश्न क्रमांक 10 है, कविता में माटी का संबंध किससे है। तो बताइए कविता दी गई थी इसमें माटी का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए घर से, ऑप्शन बी खेत से, ऑप्शन सी है गली से, ऑप्शन डी स्वदेश से। तो बताइए माटी का संबंध किससे है, माटी का संबंध स्वदेश से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न क्रमांक 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हल किया। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। इसके आगे के प्रश्नों के लिए आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।